अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। तो चलिए आज चलते हैं इस्लामिक वीडियो का रिएक्शन के तरफ। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो के तरफ। एक अहले हदीस आलिम थे वजीराबाद में। एक अहले हदीस आलिम थे अहले हदीस। एक साहब ने मुझे बताया कि मैंने उनके साथ 25 साल खड़े होकर नमाज पढ़ी है रफूलतैन के बगैर। उन्होंने पूरी जिंदगी में एक बार भी मुझे नहीं टोका। कह रहे एक दिन किसी ने उनको कहा कि हजरत ये आपके साथ खड़े होकर नमाज पढ़ता, इतना इसको अकीदत भी है आपसे और रफूलतैन नहीं करता, तो आप इसको टोकते क्यों नहीं हो। उन अहले हदीस आलिम ने जवाब दिया कि भाई अगर मैं इसको टोकूं तो इसका मतलब मैं इसकी नमाज को, उनकी राय यह थी कि मैं इसकी नमाज को गलत समझ रहा हूं। और फिर कहा कि इसकी नमाज को गलत का मतलब यह हुआ कि हनफियों में जो इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन पैदा हुए हैं उनकी नमाज को गोया मैं खिलाफे सुन्नत करार दे रहा हूं। तो फरोई मसला है, इसकी ये समझ में आता है तो इस तरह पढ़ ले, मेरी ये समझ में आ रहा है। लेकिन इस तरह के मौलवी भी मार्केट में शार्ट है, इस तरह के मौलवी मार्केट में शार्ट है, चीदा चीदा ही होते हैं। तो इसी तरह मैं जिस इलाके में पल बढ़ के जवान हुआ हूं वहां मैंने 30 साल शाफियों के साथ गुजारे। शाफी मसलक के लोग बहुत ज्यादा शाफी थे, हमारे दोस्त थे, हमारी उनसे बहुत उठना बैठना था। 30 साल में एक वाकया भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी हमने उनको टोका हो कि आप रफूलतैन क्यों कर रहे हैं, या कभी उन्होंने हमें टोका हो कि आप क्यों नहीं कर रहे। हालांकि उनके मुक्तदा और रहबर भी थे शाफी मजहब के, उलमा जो उनके थे, उन्होंने सारी जिंदगी हमारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है। कभी हमारे इमाम नहीं होते थे तो उनकी उनको हम आगे कर देते थे, वो फिर क्या करते थे अपने स्टाइल में नमाज पढ़ाते थे, जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, रफूलतैन करते थे। हमें कभी जर्रा बराबर ख्याल भी नहीं आया। हमने अपने अब्बा से एक दिन पूछा, अब्बा ने कहा भाई सब सही है। वो अपने उन उलमा से पूछो कहते सब सही है। बाद शर पसंदों ने कोशिश की कि भाई शाफियों की अलग मस्जिद बनाओ, उनके आलिम के पास गए, उन्होंने कहा क्यों बनाए, ये मुसलमान नहीं है, क्या मुसलमान नहीं है, नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्यों अलग। अब आप देखो मस्जिदों के नाम, ये मस्जिद अहले हदीस, ये मस्जिद देवबंदी हनफी, ये मस्जिद बरेलवी हनफी, कादरी चिश्ती, पूरी पूरी गर्दाने मस्जिदों के। मेरी मस्जिद के बाहर कुछ लिखा हुआ है, कोई फिरकावारा नाम है, अलफलाहिया मस्जिद। मैंने अपने नाम के साथ भी देवबंदी का लफ्ज हटाया है, नाम के साथ भी हटाया है। मेरे नाम के साथ DB लिखा हुआ था, दामत बरकात, उसका मतलब मेरे देवबंदी। मैंने कहा हटा भाई इसको, यहां कोई दुम लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की दुम लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जहां जरूरत पड़ती है वहां फिर शॉर्ट फॉर्म में जरूरत की कहां पड़ती है। अब ये लोग कहते हैं ये क्या देवबंदी, वहां से कब से ये तो अभी पैदा हुए हैं। भाई एक चीज सदियों से चली आ रही है, एक मसलक सदियों से चला आ रहा है। हुआ ये लोग खुद नाम देते हैं, बाज दफा हुआ ये कि फिर हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग थे जो ईद मिलादुन्नबी बहुत ज्यादा जोश व खरोश से मनाने लगे, फिर वो भी 11वीं शरीफ, और कुछ उलमा ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। तो जिन उलमा ने मुखालफत शुरू की उनमें ज्यादातर का ताल्लुक जिला देवबंद से था, तो लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया, ये देवबंद वाले हैं, देवबंद। और जिन जो 11वीं वगैरह मनाते थे उन उलमा का ताल्लुक ज्यादातर बरेली से था, तो उनको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, बरेली। इस बेस पर यह नाम पड़े हैं, समझ में आ रही बात। अब ये लोगों ने बनाए, उलमा ने नहीं बनाए हैं, लोगों ने खुद कहना शुरू किया देवबंदी, ये क्या बरेली। जब वो इतना मशहूर हो गया तो अब लोग फिर खुद ही पूछते हैं, कहीं आप निकाह के लिए पैगाम भेजो भाई तो देवबंदी है बरेलवी है। अब उसके सामने ये तकरीर थोड़ी करेंगे हम बैठ के, देवबंदी बरेलवी नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं है, असल तो इस्लाम में। वो कहेगा भाई तू हलवे मांडे करेगा कि नहीं करेगा। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है कि भाई ये कौन से मसलक वाले हैं, देवबंद वाले। उस शॉर्ट में लोग भाई मुसलमान तो वो भी है ये भी है, सभी मुसलमान है ना। तो ये इसलिए ये जहां बहुत शदीद जरूरत हो वहां इस तरह की चीजें हाईलाइट की जाती हैं, वरना कुछ भी नहीं रखा इन देवबंदी। और मैं बरेलवियों को काफिर नहीं समझता, मेरे ऊपर ये भी फालतू किस्म के आजकल इल्जाम भी खुद ही लगाओ और उसके जवाब भी खुद ही क्लिप पे डालो। भाई हम नहीं काफिर समझते अल्लाह के बंदो, हम उनके पीछे नमाज को भी हराम नहीं कहते। हाँ हम ये कहते हैं कि जिस शख्स का ये अकीदा हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जहां हो आपकी वहां मदद कर सकते हैं, और आप जहां से भी उनको पुकारोगे वो आपकी पुकार का जवाब सुनेंगे, इस नीयत से जो या रसूल अल्लाह मदद कहता है और इसमें कोई तावील नहीं करता, वो यकीनन मुशरिक है। लेकिन सारे बरेलवी ऐसा
ये अकीदा नहीं रखते, लेकिन जो अकीदा ये रखता है उसको भी मुशरिक नहीं कहोगे तो फिर क्या है? लेकिन किसी मखसूस शख्स को फिर भी हम नहीं कहते कि वो मुशरिक है, वो मुशरिक है। एक उमूमी उसूल बयान करते हैं, क्योंकि किसी मुतायन को इसलिए नहीं कि हो सकता है भाई।